ये बहुत छोटे थे, मतलब मेरे पास फाइल भी है, मतलब ये 8 8 9 9 साल के थे, ये छोटा वाला। खुद गाड़ी बुक करता था उनको लेके जाने के लिए, और खुद ऐसा हाई शो गार्ड लगी मतलब थोड़ा ये तो मैं पर सो हे गाइज, दिस इज कॉफी एंड यू आर वॉचिंग द कॉफी डॉक शो। आज मैं पुणे में आया हूँ और मैं पुणे के कुछ डांसर से मिलने वाला हूँ, कोरियोग्राफर से मिलने वाला हूँ। आज के हमारे जो कोरियोग्राफर है वो है आनंद पाटोड़े, जो पुणे में स्थित उनकी एकेडमी चलाते हैं, और इनके बहुत सारे जो डांसर्स स्टूडेंट्स हैं वो रियलिटी शो तक पहुँचे। हम जानेंगे उन्होंने किस तरह उनके स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है और रियलिटी शो तक उन्होंने किस तरह से उनको पहुँचाया है। सो चलिए मिलते हैं मिस्टर आनंद और उनके क्रू से। सो पहले तो आनंद जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। आनंद जी से तो अभी हम बात करेंगे, पहले हम क्रू मेंबर के नाम जान लेते। आपका नाम बताइए। मेरा नाम रितेश गोपाल। मेरा नाम श्री दलवी। मेरा नाम है परेश पवार। और मेरा नाम है विशाल विश्वकर्मा। ओके, सो पहले तो आपका स्वागत है आनंद। तो बताइए आपकी जर्नी कैसी रही और आप किस तरह मतलब डांस कितने साल से कर रहे हो? मैंने चालू किया था 2008 से, मतलब गार्डन में हम लोग प्रैक्टिस करते थे। ये अपना कोथरूड वाला जो गार्डन है इधर, मतलब बी बॉइंग स्टंटिंग मतलब ऐसा चलता था पहले, मतलब तो अभी भी उसका ही स्कोप है। तो मैंने जैसे ही चालू किया था 2008 में, तो बच्चे देख के, ये सब सारे बच्चे देख के हमको मतलब इंस्पायर हुए, मतलब कि करने का है अभी ये वो। तो मैंने एक ग्रुप स्टैंड किया ब्रॉडवे करके है, तो हमने इतनी मेहनत की कि नॉर्मल मतलब गार्डन में ही 5 से 6 साल तक कर रहे थे प्रैक्टिस। मेरे फ्रेंड फ्रेंड लोग ही थे, मतलब हम मिलके मतलब ऐसे स्टार्ट किया था। तो फिर किन किन जनों ने छोड़ दिया, किस किसने डांस फील्ड छोड़ दी, और बाकी जन ने कुछ जॉब भी वैसे करने लगे, लेकिन मैंने छोड़ा नहीं। मैंने अभी भी उसी फील्ड में हूँ। तो जैसे मैं प्रैक्टिस करता था तो ये बाकी सारे बंदे आके देखते थे, जैसे परेश पवार, ये खुद मतलब उसको सीखने का बहुत ये था, तो मैंने उसको गाइड किया। लेकिन जब मैं खुद पहले करता था तो मेरे को गाइड करने के लिए कोई नहीं था, मतलब जो मेरे सपने हैं, खुद के सपने में, मतलब मैंने अपने बच्चों के लिए मतलब सैक्रिफाइस किया है बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी मतलब अपने सपने, मतलब मुझे खुद को रियलिटी शोज करने का था, लेकिन मुझे कोई गाइड करने के लिए नहीं था। तो मैंने सोचा कि बाबा चलो, अपने ऊपर अभी जिम्मेदारी गिरी है अपने बच्चों की, तो उनको ही अच्छे से ट्रेन करो, अपने सपने उनके थ्रू मतलब पूरा करो। तो मैंने बच्चों पे इतना ज़्यादा ध्यान दिया कि अपनी मतलब फैमिली को एक साइड में रख के, मेरा मतलब अभी ये ब्रॉडवे फैमिली ही है, तो उस हिसाब से मतलब मैं इनकी बहुत सी प्रैक्टिस लेता था। कौन सा बाबा एक गाना ऐसा चूज़ किया, तो उस गाने में क्या है, क्या करने का है, कौन सा डायलॉग डालने का है, कौन से बीट्स के ऊपर क्या करने का है, वो पूरा वर्क करके फिर रियलिटी शोज़ को मैंने इन लोग को सिलेक्ट किया है। मुझे ये बताइए कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड कैसी है, मतलब किस तरह मतलब आपने स्ट्रगल किस तरह किया? मेरी फैमिली मतलब ऐसे हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि बड़े, अभी मेरा क्रू भी वैसे ही है। तो आगे जाके बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देने का, वही मेरी मतलब जिम्मेदारी थी। और वैसे ही बच्चों को मतलब मेरे पास से एक 10 12 जन ऐसे मतलब बहुत से रियलिटी शोज में मैंने भेजा है, लेकिन अभी उनका नाम लेने के लिए मतलब वो मुझे नहीं अच्छा लगता, क्योंकि अभी वो खुद का कर रहे, तो अभी वो खुद के ऊपर मतलब खुद के पैर के ऊपर स्टैंड है। लेकिन जो कुछ भी किया है इधर से ब्रॉडवे से, और खुद मैंने टीच किया है, ये बहुत छोटे थे, मतलब मेरे पास फाइल भी है, अगर मैं बाद में दिखा था वो है सब, मतलब ये 8 8 9 9 साल के थे, ये छोटा वाला, सब ऐसे 4 5 बच्चे थे। तो मैंने इनका ट्राई किया, खुद गाड़ी बुक करता था उनको लेके जाने के लिए, और खुद ऐसा हाई शो गार्ड लगी मतलब थोड़ा ये तो मैं पर आनंद जो है थोड़ा इमोशनल हो गए, क्योंकि उनको वो चीज़ याद आ गई कि रियलिटी शो में वो किस तरह ट्रैवल करते थे, खुद ही गाड़ी बुक करते थे। आज के टाइम तक बहुत सारे ऐसे कंटेस्टेंट जो है, स्टूडेंट्स जो है उनके, वो रियलिटी शो तक पहुँचे। तो आई थिंक वही गुरु होता है जो आखिर तक मेहनत करता रहता है अपने स्टूडेंट्स के लिए। देखते हैं हम वापस आनंद जी आएंगे और उनसे ढेर सारी बातें करेंगे। उसके पहले मैं उनके ग्रुप की तरफ जाना चाहता हूँ कि आप पढ़ाई भी करते हो, डांस भी करते हो, कितने साल से करते हो आनंद सर के पास? आनंद सर के पास मैं 4 5 साल से करता हूँ डांस। पढ़ाई क्या करते हो? अभी मैं 12th में हूँ, 12th की। 12th में कंटिन्यू कर रहे हो आप? ओके, तो मुझे ये बताओ कि आपका फेवरेट स्टाइल कौन सा है और आनंद सर आपको क्या सिखाते? मेरा फेवरेट स्टाइल हिप हॉप है, और सर तो मुझे फ्री स्टाइल ही सिखाते सब, ऑल स्टाइल। आपकी क्या स्टोरी है, आप सर के साथ कितने साल से जुड़े हो?
मैं सर के साथ बहुत बहुत छोटा था, मैं गार्डन में ऐसे देख देख के जा रहा था बच्चों के साथ, फ्रेंड के साथ घूमने के लिए। तो सर उधर प्रैक्टिस कर रहे थे, बारिश चालू थी, तो मैं ऐसे ही खेलते खेलते एक स्टंट मारा। सर ने उधर से देखा क्या कर रहा है, तो बुलाया मेरे को, बुलाया तो मैं बोला ऐसे ही प्रैक्टिस कर रहा है आपको देख देख के। तो बोला ऐसा ऐसा है, हाथ पैर टूट जाएगा तो ऐसा मत कर। तो फिर बाद में बोला मेरे को भी करने का है, तो सर बोले, सर ही थे उधर मेरे को बोलने के लिए, तो मेरे को बोले करने का है क्या ग्रुप में? तो मैं बोला हाँ करने का है मेरे को ग्रुप में। तो मैं उधर से सर के साथ किया, तो बोले भाई को भी बोला और तेरे को ज्वाइन करने का है तो तेरे भाई को बहुत बता कि मैं। आपने मुझे ये भी बताया था कि आप सेवन तक ही मतलब पढ़े हो? मैं सेवन तक ही पढ़ा है, क्योंकि डांस में सब मेरा ये था, दिमाग था, तो मैं डांस में। बट आपने पढ़ाई जारी क्यों नहीं रखी उसके बाद? कोई फैमिली प्रॉब्लम तो नहीं था ना? हाँ फैमिली प्रॉब्लम था, तो घर वाले इसे देखते थे नहीं मेरे पास, डांस 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 सब डांस में। तो मेरा भी है, अभी करने का मन है, लेकिन वो दिमाग ही नहीं जाता उधर, सिर्फ डांस करने का ऐसा मन करता है। ओके, सो एक्चुअली पढ़ाई, जिस तरह से मैंने अभी आज तक जितने सारे डांसर से मिला हूँ, पढ़ाई ज़रूरी है ताकि कम्युनिकेशन और ये सारी चीज़ें स्किल्स जो है वो आती रहती है। तो प्लीज़ पढ़ाई कंटिन्यू रखना, बाकी तो आप डांस फाड़ू करते ही होंगे। तो मैं आपके पास जाना चाहता हूँ, हमारे पास है पुणे के सुशांत खत्री, तो चले मिलते हैं। मेरा नाम विशाल विश्वकर्मा है, सर के साथ मैं 6-7 साल से हूँ। तो मैं पहले दूसरे क्लास में था, तो उधर ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं होता था, तो गार्डन आके वीडियो में देख के सर का डांस देखा। फिर एक बार सर को मिलने गया, सर फिलहाल होटल में थे, तो सर के पास होटल में जाके मिला, सर ऐसा ऐसा है, तो उधर अच्छे से नहीं सिखा रहे, तो मुझे आपके इधर आना है। तो सर ने बोला यार तो आ जा, तो मैं फिर उधर से इधर आके फिर अभी इधर 6 साल हो गया, तो सर के साथ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कंटिन्यू कर रहे हो? आप कितने साल से हो आनंद सर के साथ? मैं आनंद सर के साथ 8 साल से हूँ, मतलब छोटा था, मतलब 4th स्टैंडर्ड में था तभी से डांस क्लास में हूँ। मतलब डांस करके मुझे 8 साल हुआ है, लेकिन बहुत कुछ सीखा है सर के पास। मतलब सर ने हमें रियलिटी शो भी दिखाया, अभी मैं रियलिटी शो में था सर के, सर मतलब सर हमको लेके गए थे रियलिटी शो को, टू मैट करके रियलिटी शो था मराठी, तो उसमें था। सर सब सिखाते, मतलब कोरियोग्राफी कैसे करने की, स्टेप कैसे बिठाने के, बीट कैसे, मतलब पूरा वो सब सिखाते, उनकी वजह से आज यहाँ तक हूँ। तो आनंद जो है वो आ गए वापस। तो आनंद मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ यार, आप किस चीज़ को लेके इतना इमोशनल हुए, क्योंकि ऑडियंस जानना चाहती है यार क्या ऐसी चीज़ है? मेरा भाई है इमोशन, मतलब जब भी मतलब मेरे को कुछ मतलब ऐसा नहीं था ना गाइड करने के लिए, मैंने अपने बच्चों के लिए पूरी जी जान लगा दी है। मतलब ऐसे 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार लोग ऐसे लाइन में खड़े रहते थे, और मैं अपने बच्चों को तुम लोग गाड़ी में रुको, जब नंबर आएगा तब मैं खुद तुमको बोल दूंगा, क्योंकि धूप भी रहती तभी, मतलब बहुत मुंबई का ऐसा ही सीन है कि मतलब बहुत स्ट्रगल करना पड़ता। तो मैंने अपने बच्चों को कभी मतलब वो चीज़ फील करके दिया ही नहीं, क्योंकि इनको आगे लेके जाने का है, बस इतना ही दिमाग में था, और वो चीज़ हुई है अभी, इसकी वजह से आज मतलब मेरा इंटरव्यू चल रहा है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, एक फील मतलब प्राउड फील कर रहा हूँ कि बाबा इतनी मेहनत करके कुछ ऐसा मतलब खाली नहीं गया, कुछ उस मुकाम तक पहुँचा हूँ, तो थोड़ा फील अच्छा लग रहा है। आनंद मुझे ये बताइए कि आपका फ्यूचर में आप मतलब किस तरह अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करना चाहते हो, और किस तरह मतलब आपने सोचा है आगे की चीज़ें? अभी कैसा है, मतलब बहुत जन को ऐसा मैं ट्रेन करता, और इतना ट्रेन करता कि अगर वो छोड़ के भी गया ना, तो वो मतलब खुद का कुछ तो कर सकता है, उसके पैर के ऊपर वो खड़ा रह सकता है। तो मेरा वही है, अगर मेरे को इसने छोड़ दिया, इसने छोड़ दिया, तो मतलब मैं ऐसा खुद हार नहीं मानूंगा। मेरे पास जो भी नए स्टूडेंट आ रहे हैं उनको ट्रेन करूंगा, रियलिटी शोज में भेज दूंगा, मेरा वही फंडा है। जो मुझे नहीं मिला तो वो मैं बच्चों के खातिर, फिर ऐसा नहीं कि मेरे को यही बंदा चाहिए, ये बंदा चाहिए, हर एक के सपने अलग रहते हैं, मैं एक के ऊपर डिपेंड नहीं रहता, ताकि मेरे को सबका अच्छा देखने का है। जैसे सबका अच्छा करोगे वैसा कर्म अच्छा मिलता है। तो आनंद मुझे ये बताइए कि कौन से रियलिटी शो में अब तक आपके बच्चे जा चुके हैं? मेरा मतलब मैंने बच्चों को आगे मतलब एक फर्स्ट टाइम ऐसा शो था मेरा, मतलब मुझे ऑफिशियल कोरियोग्राफर मतलब ऐसा बनने का था, मतलब खुद का एक सपना था, मतलब जैसे मैंने डांस का बोला कि रियलिटी शो करने का है, ये करने का, ऐसा खुद का। तो मेरा सपना इधर पे पूरा हुआ, केरला में D2 करके
रियलिटी शो था एर्नाकुलम साइड, तो उधर मतलब मैंने ऑफिशियल कोरियोग्राफर मतलब पूरा के पूरा शो है ना, मतलब पूरा मैंने हैंडल किया था कि बाबा ये सब मतलब अपने कॉस्ट्यूम से लेके पूरे मतलब ये पैंट है बाबा पहन ले बाबा ऐसा ऐसा कर, क्योंकि उधर बच्चों का ऐसा मतलब पूरा वो शो ही ऐसा था कि तुम तुम्हारा करो, कॉस्ट्यूम से लेके डांस बिठाने का हर एक चीज़ मिक्सिंग बिक्सिंग है वो सब करके वो एक शो हुआ केरला मनोरमा D2 डांस करके। फिर जाके मुंबई में इसने अभी ये 2 मैड का बोला था महाराष्ट्र असल डांसर वही ना, हाँ कलर चैनल पे लगता था वो मराठी में, जिसमें ये श्रीधर भी था और बहुत सारे ऐसे डांस प्लस। कुछ बताना चाहते हो, कुछ शेयर करना चाहते हो पूना के डांसर्स के लिए? मेरा ऐसा नहीं है कि मैं पूना के डांसर्स के लिए ऐसा बोलना चाहूँ क्योंकि मैं इतना बड़ा नहीं, मैं बस एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा मतलब जो भी मतलब डांस ले रहे जिनके गुरु है कोरियोग्राफर है वो जितनी मेहनत लेते ना अपने बच्चों के ऊपर, तो उनको बस है ना वही चीज़ ध्यान में रखना है कि बाबा इस कोरियोग्राफर ने अपने ऊपर बहुत मेहनत ली है, बस उनको भूलो मत क्योंकि जीरो से लेके आगे बढ़ाया, मतलब ऐसा मैं खुद का नहीं बोल रहा मतलब ऐसे सभी मतलब बहुत सारे ऐसे कोरियोग्राफर है कि जिन्होंने छोटे बच्चे पे मेहनत लेके इतना बड़ा किया होता है और बाद में वो लोग भूल जाते, तो वो बस वो चीज मत करो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं पूना के डांसर का बोल रहा हूँ इसका डांसर का बोल रहा हूँ, मैं सब मतलब जितने भी गुरु है जितने भी कोरियोग्राफर है और जो स्टूडेंट है ना तो उनकी कदर करो, तो बस इतना ही है। तो चलिए आज का एपिसोड जो है वो ख़त्म करते हैं। आनंद जी से बात करके और उनके क्रू से बात करके बहुत मज़ा आया और ऑफकोर्स बहुत सारे इसके पीछे मेहनत होती है एक आर्टिस्ट की, क्योंकि इतने सालों से वो ट्रेन करते आते हैं और उसके बाद रियलिटी शो में बच्चे जा पाते सिलेक्ट हो पाते, तो आई थिंक ऐसे गुरु अगर मिले तो कोई भी आगे आराम से चला जाएगा। तो चलिए आज का एपिसोड ख़त्म करने से पहले आज के हमारे गेस्ट थे आनंद और उनका क्रू, तो उनसे एक ऑटोग्राफ लेते, तो चलो। तो आपको आगे के लिए शुभकामनाएं, आप ऐसे आपके स्टूडेंट्स को ट्रेन करते रहिए, रियलिटी शो तक पहुंचाते रहिए, यही मैं भगवान से दुआ करता हूं कि आगे आप बढ़ते रहिए। आज का एपिसोड यही खत्म करता हूं, मिलते हैं एक नए कलाकार के साथ नए आर्टिस्ट के साथ और जानेंगे उनकी कहानी उनकी जुबानी। सो टिल देन बाय बाय।